कोरोना महामारी के चलते जहां एक ओर प्रशासन लोगों को घर से रहने और बाहर नहीं निकलने की समझाइश दे रही है, तो वहीं इंदौर के दोपालपुर में बेवजह घर से बाहर निकलने वालों का कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला। इंदौर के समीप देपालपुर विधानसभा में तहसीलदार बजरंग बहादुर लोगों को लात से मारते हुए दिखाई दिए हैं, जहां लोगों ने कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन किया था। इस दौरान ढोलक की थाप पर लोगों को मेंढक की चाल भी चलवाई गई और तहसीलदार ने लात मारी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वही मामला सामने आने पर देपालपुर विधायक विशाल पटेल ने तहसीलदार बजरंग बहादुर पर कार्रवाई की मांग की। यदि प्रशासन ने तहसीलदार पर कार्रवाई नहीं होने पर सड़क पर उतरकर बर्खास्त करने की मांग करेंगे। और वहीं तहसीलदार ने पूरी घटना से इनकार करते हुए कहा है किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं किया गया। कल रविवार को देपालपुर के चमन चौराहा में लॉकडाउन ड्यूटी के दौरान, जिसमें पुलिस प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी शामिल थे, दो तूफान गाड़ियों में लगभग 30-35 लोग सवार थे, जो अपने आप को बाराती बता रहे थे, जिसमें महिलाएं भी थीं। तो इनके द्वारा लॉकडाउन के निर्देशों का सरासर उल्लंघन किया गया था, तो उनको मौके पर उतारा गया। उनमें से कुछ लोगों के द्वारा प्रशासनिक अमले के साथ बहस भी की गई, तो इसलिए उन लोगों को नसीहत देने के उद्देश्य से एक मेढक दौड़ उनसे करवाई गई थी। जागो मामा जागो, इस मध्य प्रदेश की जनता कहीं ना कहीं ढूंढ रही है आपको। जिस प्रकार से आपके अधिकारी लोग एक तानाशाही के रूप में आम जनता के ऊपर डंडे और लाते बरसा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपने संज्ञान में लेना चाहिए। कल की घटना है देपालपुर विधानसभा की, वहां का तहसीलदार, मदरूर तहसीलदार, नाम तो जिसका बहादुर है, बजरंग बहादुर, लेकिन बहादुरी दिखाता है गरीब जनता के ऊपर, जो जनता खुद अपने परिवार के लिए जूझ रहा है इंजेक्शन और ऑक्सीजन के लिए। अगर वो शहर में आता है तो कहीं ना कहीं ऐसे बजरंग बहादुर जैसे व्यक्तियों की उसको लात का सामना करना।